लेते हैं जहां धर्मजयगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम बालक बॉडी में बने अधिकांश शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर खुला आरोप लगाया है, जिसके मुताबिक सरपंच और सचिव ने कागजातों में फर्जी तरीके से गांव को ओडीएफ दिखाकर सरकार से मिले लाखों रुपए हड़प लिए हैं। जबकि हकीकत यह है कि गांव के लोग आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। गांव में निर्माण कार्य के लिए मंगाया गया 2 लाख रुपए कीमत का दरवाजा खुले आसमान में रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो गया है। आधे से ज्यादा सामान पंचायत भवन में पड़ा हुआ है, बावजूद इसके गांव ओडीएफ कैसे घोषित हो गया, ये बड़ा सवाल है। सरपंच पर धांधली का एक ही मामला नहीं है, बल्कि अनाज वितरण और अन्य निर्माण को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच खुद को कुछ नहीं करती और पंचायत का सारा जिम्मा उनके पति ने अपने हाथ में ले रखा है। स्थिति ये हो गई है कि सरपंच पति ने ग्रामीणों को 35 किलो चावल के बदले 20 या फिर 25 किलो चावल देने का नियम बना रखा है, जबकि कुछ लोगों को तो पिछले महीने का चावल भी तक नसीब नहीं हुआ है। ऐसे में ग्रामीण मजदूर हैं कि आखिर शिकायत करें भी तो किससे करें। यहाँ पड़ा हुआ दरवाजा वाले तो पंचायत में ही पड़ा हुआ है, पेमेंट आज तक ना आया, जाएगा आएगा बोलते हुए आज तक नहीं आया पेमेंट, तो पैसा कब तक आएगा? भगवान जाने को, अपने भी बनाए हैं कि सरपंच बोले कि नहीं चावल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, अगर कैसे बोले हमको कि चावल नहीं देंगे, नहीं बनाओगे तो ऐसी करते हमारे नाम में का दिक्कत होता है, कुछ भी चीज बोलते हो तो पूरा करके देते नहीं है, और कभी उस दिन बोलते हैं, कभी उस दिन बोलते हैं, अभी बाथरूम का भी बात ले लो, बस खड़ा बस कर दिए हैं दरवाजा को बस, और उसमें कुछ चीज सुविधा नहीं है, ना गड्ढा भी नहीं खोदाया है, तो उसमें का तो हम लोग इतना अभी पिछली बार हम लोग बना गए थे, जैसा काम का सीजन आ गया, खेती का सीजन, काम करना बंद कर दिया, लोग निकलने बंद कर दिया, खेती बाड़ी में लग गए, उसके बाद से हम लोग दोबारा उस काम को शुरू नहीं कर पाए। सर दरवाजा भी बन चुका है, सर दरवाजा सर रखा जा सकता था। और ज्यादा जानकारी के साथ श्रोता शेख आलम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शेख आलम, जैसा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं सभी कार्य, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो या बाकी दूसरे कार्य को लेकर के बातचीत कर ली जाए, सरपंच सचिव पर खुलेआम ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या तर्क उनकी ओर से आ रहा है? जी बिल्कुल, धर्मनगर विकास खंड अंतर्गत ये बालकपोड़ी ग्राम पंचायत का पूरा मामला है, जहाँ के ग्रामीण खुले तौर पे सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शौचालय के लिए जो सेप्टिक टैंक ढक्कन दरवाजा जो लाखों रुपए का लाया गया था खरीदी कर, उसे खुले आसमान के नीचे रख दिया गया, और जो अभी बिल्कुल कबाड़ में तब्दील हो रहा है, मतलब पूरी तरह से लापरवाही देखी जा रही है। और कहना चाहिए गांव वालों को, ये भी कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पे राशन को लेकर काफी कालाबाजारी की गई है। कुल मिलाकर बालकपोड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। जी, मामला यहाँ पर भी शांत नहीं होता है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि जिम्मेदारी किसी और की है, लेकिन जबकि जो सरपंच सचिव हैं उनके पति इस बात इस पूरे कामकाज को संभालते हैं, जबकि जिम्मेदारी उनकी बनती है, पूरा जो हिसाब किताब है अनाज वितरण का वो पूरा उनके पति देखते हैं, इसका अधिकार उन्हें किसने दिया, इस बात के बारे में आपने उनसे पूछने की कोशिश की, जवाब लेने की कोशिश की? जी बिल्कुल, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में बालकपुरी ग्राम पंचायत में सरपंच महिला सरपंच है, लेकिन उनके पति द्वारा जो है सारा पंचायत का काम संचालन किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पूरा ये गलत है। और इस संबंध में जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि हमारे महिला सरपंच है और हम घर के मुखिया हैं तो हम ही करेंगे सारा काम, ऐसा उनका कहना है। इस संबंध में ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हम लिखित और मौखिक में संबंधित आला अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई इस ओर ना ही कोई कार्रवाई की गई और ना ही ध्यान दिया जा रहा है। शेख आलम, अब तक क्या मालूमात इस बात को लेकर हो पाई है कि कितनी रकम का इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा होगा? जी, मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीणों का ये खुला आरोप है कि लाखों रुपए का इसमें घोटाला किया गया है, गबन किया गया है। अमूमन ग्रामीणों की माने तो 4 से 5 लाख ये भ्रष्टाचार गबन बताया जा रहा है। जी, इसके अलावा संबंधित अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? जी, ये समस्या
करीब दो सालों से बताया जा रहा है कि दो सालों से यही रवैया है ग्राम पंचायत में, और इस संबंध में संबंधित आला अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की हमने, लेकिन वो कुछ भी कहने से लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो इस बात को भुगत रहे हैं कि उन्हें जो सरकारी सुविधाएं हैं वो तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत खुद से करने की कोशिश की, लिखित में कोई शिकायत की हो? जी बिल्कुल, जो पीड़ित है वो स्थानीय आला अधिकारी जैसे कि धर्मनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, उनसे लिखित में शिकायत कर चुके हैं, मौखिक भी शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर पीड़ित परेशान हलाकान है, गांववासी और सरपंच सचिवों का जो है यहाँ बुरा हाल है भ्रष्टाचार को लेकर। बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, अगर हुई होती तो हालात सुधरे हुए नजर आते, लेकिन क्योंकि कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है इस पूरे मामले पर, तो अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं कि क्यों समय लग रहा है, और लग भी रहा है तो कितना समय और लगेगा? जी अधिकारियों का ये कहना है कि अब शिकायत मिली है, जबकि शिकायत देखा जाए तो ग्रामीणों की माने तो दो साल पहले से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें अभी जानकारी मिल रही है तो इस पर ध्यान देंगे, जांच करेंगे, लेकिन नहीं लगता कि कोई कार्रवाई अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जैसा कि जवाब मिल रहा है, गोलमोल जवाब मिल रहा है अधिकारियों से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शेख आलम। और अब अगली खबर डिंडोरी से आपको बता रहे हैं।